जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोर्न के बारे में। मैं यहाँ पर आपको पोर्न देखने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा, आपको देखना चाहिए या फिर नहीं ये आपकी पर्सनल चॉइस है। बट सच तो ये है कि मैक्सिमम लोग रेगुलर पोर्न देखते हैं बट सही तरीके से नहीं, जिससे कि आपका डाटा लीक हो सकता है, आपको कोई पोर्न देखते हुए पकड़ सकता है, या फिर अगर आप अपना फ़ोन किसी के साथ शेयर करते हो अपने घर में तो हो सकता है कि आप जो चीज़ें देख रहे हो वो चीज़ें वो उनको भी देखने को मिले, और इसके बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस है गाइस। तो क्या आप ऐसा चाहोगे? ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं, बट टेंशन की बात नहीं है क्योंकि आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका आप यूज करके आप इन चीज़ों से बच सकते हो और सेफली पोर्न देख सकते हो। सो दोस्तों, पहले आता है ब्राउजर। आपको कभी भी अपने मोबाइल के डिफ़ॉल्ट या फिर क्रोम ब्राउजर से पोर्न नहीं देखना, इनकॉग्निटो टैब में भी नहीं, क्योंकि जो आपका मेन ब्राउजर है या फिर क्रोम ब्राउजर है वो आपके ईमेल अकाउंट से लिंक्ड होता है, और जब आप पोर्न वेबसाइट विजिट करते हो तो वो कुछ परमिशन मांगती है जो कि आपके ब्राउजर और आपके ईमेल अकाउंट से रिलेटेड होती हैं। और अगर आप डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में ये सब कर रहे हो तो आपके जो ईमेल अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा पोर्न वेबसाइट के साथ, उसके बाद आपको जो है पोर्न से रिलेटेड एड्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में पोर्न वेबसाइट आपके डाटा को गलत तरीके से यूज भी कर सकती है। तो सही तरीका क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे ब्राउजर अवेलेबल है, आप पोर्न देखने के लिए कोई दूसरा ब्राउजर इंस्टॉल कर लो, जैसे कि ब्रेव है, ओपेरा है, यूसी है, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं, आप इनमें से कोई सा भी ब्राउजर इंस्टॉल कर लीजिए और उसी में देखिए। दूसरी चीज़ गाइस, आप कभी भी किसी भी पोर्न वेबसाइट पर अपनी मेल ईमेल आईडी से अकाउंट ना बनाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपकी जो मेल आईडी है वो लिंक हो जाएगी पोर्न वेबसाइट से, उसके बाद आपको पोर्न वेबसाइट वाले आपको जो है ईमेल तो भेजेंगे ही, साथ में आपको एड्स भी देखने को मिलेंगे, और उसके बाद वो आपके डाटा को भी एक्सेस कर सकती है। तीसरी चीज़ गाइस, कभी भी भूल के भी गलती से भी पोर्न वेबसाइट का जो ऐप है वो इंस्टॉल ना करें जिस ऐप में सिर्फ पोर्न ही आती हो, बिकॉज जो ऐप होते हैं ये अनऑफिशियल ऐप होते हैं और इनके जो डेवलपर होते हैं वो ऑफिशियल नहीं होते, वो जो है आपके डाटा को पूरी तरह एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट में तो फिर भी थोड़ा कम जो होता है वो आपके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने ऐप इंस्टॉल करा है ना तो यहाँ पे आपके जो हैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और वो आपके पूरे मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपके फोटोज़, वीडियोज़, आपकी कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सअप, सब कुछ वो एक्सेस कर सकते हैं। आप सोच लो कि अगर आपका डाटा उनके पास चला जाता तो वो उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन आप यकीन नहीं मानोगे गाइस कि जो पोर्न वेबसाइट पे जो देसी, मतलब जो देसी कीवर्ड में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जो देसी पोर्न होती है ना वो जो होती है कोई अपलोड नहीं करता वहाँ पे, वो लोगों के फ़ोन से चुराई जाती है। आपने देखा ही होगा कि आजकल ना पता नहीं लोगों को क्या रहता है कि ना वो मतलब खुद की वीडियो शूट करते हैं ये सब करते हुए, और अपने फ़ोन में छुपा के रखते हैं कि भाई मैं तो किसी को शेयर नहीं करूँगा। बट अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हो जो कि मैं अभी बता रहा हूँ, तो इससे क्या होता है कि वो वेबसाइट या फिर वो ऐप आपके उन वीडियोज़ को चुरा लेते हैं और अपने सर्वर पर अपलोड कर देते हैं, और यही कारण है कि जो देसी जो भी आइटम है ये पड़े हुए हैं वहाँ पे इतनी मात्रा में। आप खुद ही सोचो यार, कोई जानबूझ के अपनी ऐसी वीडियोस वहाँ पे अपलोड करेगा? नहीं करेगा ना। तो गाइस यही तरीका है, तो बिल्कुल भी ऐसा ऐप इंस्टॉल मत करो, ऐसी वेबसाइट पे अपना अकाउंट मत बनाओ। सही तरीका क्या है गाइस? एक जो है अलग से ब्राउजर इंस्टॉल करो, उसके अंदर देखो, और अगर आप और भी सेफली से देखना चाहते हो तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप VPN का यूज करो। प्ले स्टोर पे बहुत सारे VPN फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करो, VPN यूज करो। VPN यूज करने से फ़ायदा ये होगा कि आपका IP एड्रेस आगे नहीं जाएगा, आपका जो इंटरनेट प्रोवाइडर है वो भी आपको ट्रैक नहीं कर सकता, और उसके बाद ये होगा एक और फ़ायदा है इसका, हमारे देश में जो वेबसाइट ब्लॉक है आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो। तो VPN के बहुत सारे फायदे हैं, तो VPN यूज करो, प्राइवेट ब्राउजर यूज करो, कभी भी एप्लीकेशन यूज मत करो ऐसी चीज़ों के लिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा गाइस कि आप कभी भी अगर ऐसी वेबसाइट पर जाते हो तो जो जानी मानी वेबसाइट है ना जिनका नाम है मार्केट में, आप उन्हीं वेबसाइट पर जाके विजिट करो, किसी भी ऐसे अनऑथराइज या फिर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो आजकल नई नई वेबसाइट बन जाती है अजीब सी, है ना, तो ऐसी वेबसाइट पर ना जाएं, क्योंकि ऐसी वेबसाइट आपके डाटा को लीक कर सकती है, हैक कर सकती है। अब बड़ी जो वेबसाइट होती है जिनका नाम है मार्केट में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि दोस्तों जिनका नाम होता है उनको बदनाम होने से डर लगता है, तो वो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी ऐसा कुछ करो तो वही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, अलग से ब्राउजर यूज करो, और ऐसा ऐप बिल्कुल इंस्टॉल मत करो। और गाइस अगर आप पेरेंट्स हो और आपका फ़ोन जो है आपका बच्चा भी यूज करता है, तो आपके लिए मेरे पास कुछ
टिप्स हैं अलग से, इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइस ये था आज के वीडियो में, आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में आप कमेंट बॉक्स में गाइस बता सकते हो। बिल्कुल मेरे को पता है यार इस टॉपिक पे ना मैक्सिमम लोग बात नहीं करते और मेरे को भी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तूने यार कैसी वीडियो बना दी, किस टॉपिक की बात कर दी, बट गाइस ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, कोई वैसा चीज़ नहीं है, ठीक है, और मैक्सिमम लोग देखते हैं। तो अगर आपके मैं इन चीज़ों को बताकर आपको उन चीज़ों से बचा सकता हूँ जिससे कि आपका डाटा लीक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, तो मैं आपको क्यों ना बताऊँ, तो मैंने सोचा इसलिए मैंने आपको बताया गाइस। आई होप दोस्तों आपने वीडियो में बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते हो जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं जो कि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड हो और आप टेक वर्ल्ड से कनेक्ट रहो गाइस। तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।